लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। जल योजना व PHED विभाग के रवैये से शहरवासियों में आक्रोश। तारापुर नगर पंचायत के गाजीपुर में करीब एक महीनों से वार्डवासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लोगों को पीने के लिए पानी ही नहीं नसीब हो रहा। लोग पीने के लिए पानी के लिए दूसरों का दरवाजा खटखटाते हैं। लोगों को पानी के लिए दूसरों के दरवाजों पर जाना पड़ता है। जिन घरों में बोरिंग या समरसेबुल की व्यवस्था है, उनके घर पर पानी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। राजद के तारापुर प्रखंड अध्यक्ष रफी उज्मा ने बताया कि नगर पंचायत के गाजीपुर में लगे जलमीनार से 7 वार्डों में पानी जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 10,000 है। सूचना भी प्राय तारापुर के सभी पदाधिकारियों को दी गई है, पर पानी की समस्या पहले जैसी ही बनी हुई है। आज बकरीद जैसे मौके पर भी पानी नहीं मिल पाया, जिससे आज नमाज अदा करने के लिए बहुत लोग नहीं आ पाए। पदाधिकारियों से सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन समस्या का निवारण नहीं हो पाता। वर्तमान सरकार के कार्यों को बोलते हुए कहा, इनका जो भी कार्य है वो सिर्फ रेडियो और टेलीविजन पर है, धरातल पर बिल्कुल शून्य है। तारापुर मुंगेर से गौरव कुमार बिल्कुल। पानी का समस्या लगभग 10 दिन से कंटिन्यू, और उससे पहले भी लगातार 10 दिन 5 दिन 2 दिन पानी चलता है, फिर 2 दिन 3 दिन बंद हो जाता है। कभी मोटर जल जाता है, कभी पाइप फट जाता है। अनेकों प्रकार का बहाना बनाकर लगातार पानी से पूरे गांव को दूर रखा जा रहा है। जबकि ये जो टंकी बना हुआ है, इससे गाजीपुर पंचायत के 7 वार्ड, लगभग 10,000-12,000 आबादी इससे लाभान्वित होते हैं, जिसको पूरी तरह से पानी का कठिनाई है। यहाँ पे लेयर का प्रॉब्लम है, लगभग घर में चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। अगल बगल के घरों में या मोहल्ला में एक दो चापाकल देता है, जिससे सारे लोग अपना पीने का पानी उपलब्ध करते हैं, लेकिन नहाने खाना बनाने इत्यादि जो भी काम है उसमें पानी की सारी समस्या है, जिसे हम लोग लगातार लगभग 2-3 महीना से पत्रकारिता के माध्यम से बैठक में SDO साहब के यहाँ कोई भी बैठक हो, उस बैठक के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से विभागीय स्कूटी इंजीनियर SDO साहब सारे लोगों से बात करने के बावजूद भी हम लोगों का समस्या दूर नहीं किया गया। यहाँ तक कि आज पर्व का दिन है, आज पर्व जैसे दिन में पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि परसों श्रावणी मेला के बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया और वहाँ पे गारंटी दिया गया कि पर्व के दिन सुबह सुबह पानी सब लोगों को मिलेगा, जो कि नहीं मिला, जिससे पूरे पर्व जैसे दिन में गांव में रोष है। जिधर हम लोग जाते हैं एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से, लोगों का एक ही शिकायत होता है, पानी नहीं मिला, पूरा त्यौहार हम लोगों का गड़बड़ा गया, जिससे सारे बच्चे औरत सारे लोगों को आज कठिनाई हुई। यहाँ तक के बहुत सारे लोग पानी नहीं मिलने के कारण नहा नहीं पाए और वो बकरीद का नमाज अदा नहीं कर। बताइए क्या समस्या है? यहाँ 1-1.5 महीने से पानी की समस्या है, आए दिन शिकायत करते रहते हैं, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं। 1-2 दिन होता है, फिर जो है वही परिस्थिति है। आज दुर्भाग्य से देखिए पर्व पैसे दिन में भी पानी नहीं दिया गया, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग को नहाने में मतलब काफ़ी दिक्कत हुई। इसकी शिकायत हमने जो है संवेदक को की थी, PHD विभाग को, पर इसकी सुनवाई कुछ नहीं हुआ, नगण है। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद इजहार, प्रखंड पंचायत अध्यक्ष, RJD।